बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर थर्ड लेसन विच इज़ इन फैक्ट अ पोम ऑन द ओशन रिटन बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। लेट्स स्टार्ट। ऑल इन अ हॉट एंड कॉपर स्काई द ब्लडी सन एट नून राइट अप अबव द मास्ट डिड स्टैंड नो बिगर देन द मून। बेटा सबसे पहले तो यहाँ पे आप ये टर्म समझने की ज़रूरत है। ब्लडी सन मीन के खून की तरह का सुर्ख सूरज, उसकी रंगत जो थी बिल्कुल रेडिश थी। एंड मैस्ट मीन पोल फॉर सपोर्टिंग शिप्स सेल। आप जब जहाज को एक मजबूत सा सतून होता है लंबा सा, उसे कहते हैं। तो राइटर क्या कह रहा है कि सूरज गर्म और तांबे जैसा तप रहा है, दोपहर का वक्त है, ठीक है, और नो बिगर देन द मून। और आपका जो सूरज को जहाज के मस्तूल के एन ऊपर से जब हम देखते हैं तो वो चांद से ज़्यादा बड़ा दिखाई नहीं देता। डे आफ्टर डे दिन पे दिन गुजरता चले जा रहे हैं। वी स्टक, हम फंस चुके हैं। नॉर ब्रीद नॉर मोशन, ना सांस लेने की आवाज़ है ना कोई हरकत है। एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन, इस तरह से साकित जिस तरह के एक पेंट की हुई तस्वीर में जहाज नज़र आता है या पेंट किया हुआ समंदर। वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक, हर तरफ पानी ही पानी है और जहाज़ के तमाम तख्ते जो हैं वो सुकड़ चुके हैं। वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, हर तरफ पानी ही पानी है लेकिन एक सिंगल ड्रॉप पीने के लिए नहीं है। इस पोइम में बेटा राइटर हमें जो समझाना चाह रहा है वो इनफैक्ट ये कहना चाह रहा है कि एक जहाज़ है जो समंदर के बीचों बीच जाके फंस चुका है, ठीक है, उनको हेल्प की ज़रूरत है। वहाँ पे कोई उनको हरकत नहीं है किसी किस्म की, सूरज इंतहाई गर्म है। इस नज़म में शायर यही कह रहा है कि हर तरफ वैसे तो पानी ही पानी है लेकिन चूंकि समंदर का पानी आपको पता है बहुत नमकीन होता है और पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं है, तो हमें बेसिकली जो नज़म है उसकी समरी लर्न करनी है विच इज़ इन योर इंग्लिश नोट्स। काइंडली लर्न योर समरी, आप अपने नोट्स में से करें। उसके बाद आपके ये थोड़े से ग्लॉसरी वर्ड्स हैं, इन्हें आपने लर्न करना है। क्वेश्चन आंसर्स भी आपके नोट्स में दिए गए हैं, आपको वो आपने वहाँ से याद कर लेने हैं। बाकी की एक्सरसाइजेज जो हैं वो मैं आई हैव ऑलरेडी गिवन यू इन द सॉफ्ट सिलेबस, ठीक है। अंडरलाइन द वर्ड्स इन द पोइम विच राइम विद दीज, यानी एक दूसरे से मिलते जुलते लव्स। ड्रिंक श्रिंक सिंक, ओशन मोशन लोशन मून सून, इस तरीके से। प्रीफिक्सेस का कॉन्सेप्ट मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आपको समझाया। प्रीफिक्स क्या होता है? वर्ड से पहले लगने वाला लफ्ज़। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है डिस, उसको इस तमाम लफ्ज़ों के साथ लगाएंगे। डिसइंटरेस्ट डिसलाइक डिसलॉयल डिसजॉइंट डिसफिगर। नेक्स्ट वर्ड इज इंटर, इंटरसिटी इंटरकनेक्ट इंटरप्ले इंटरैक्ट इंटरलिंक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज योर सिमिले। अ सिमिली कंपेयर्स टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज फॉर एग्जाम्पल, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो उसको हम सिमिली बोलते हैं। जैसे हम कह रहे हैं ही इज़ एज ब्रेव एज अ लाइन, वो इतना बहादुर है जैसे कि एक शेर। ही फॉट लाइक अ लॉइन, वो एक शेर की तरह लड़ा। बहादुरी का सिंबल लिया जा रहा है। तो अपनी उन्होंने कहा है कि मेक योर ओन सिमिलीज, आप अपनी समझ के मुताबिक इनको बना सकते हैं। हॉट लाइक फायर, राइट एज रेन, बिग लाइक अ माउंटेन, आइडल लाइक अ रॉक, ब्यूटीफुल एज रोज एंड सॉफ्ट एज बटर। नेक्स्ट इज़ योर ओरल कम्युनिकेशन स्किल, बस आपके बोलने की प्रैक्टिस थोड़ी सी। और उसके बाद आपकी समरी का क्वेश्चन है, समरी का क्वेश्चन आपने अपने नोट्स में से करना है। और ये हमारी आज की छोटी सी एक पोम थी ऑन द ओशन जो कि हमने अपनी कंप्लीट कर ली। काइंडली लर्न इट बाय योर हार्ट प्लीज़। और अगले लेसन तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।